नीलम मिश्रा चैनल में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी दो दोस्तों की है, बंदर और मगर। आपने ये स्टोरी बचपन में जरूर सुनी होगी। एक नदी के किनारे एक जामुन का पेड़ था। उस जामुन के पेड़ पे एक बंदर रहता था और बंदर वहाँ पे मीठे मीठे जामुन खाता था, कुछ जामुन तोड़ के गिरा देता था। नीचे जो नदी बहती थी उसमें एक मगर रहता था। कभी कभी जामुन उसके ऊपर गिर जाता था तो वो देखता कि क्या हो गया मेरे सर के ऊपर, और ये सिलसिला रोज होता। जैसे वो मगर उधर से जाता, बंदर ऊपर से जामुन गिरा देता। अनजाने में ही ये बात वो रोज नोटिस करने लगा और बंदर को भी बड़ा मज़ा आता। जैसे ही वो देखता नीचे नदी में कि कुछ काला काला सा जा रहा है, वो फट से जामुन गिरा देता। धीरे धीरे करके ये दोनों एक दूसरे को देखने लगे। बंदर और मगर में अच्छी दोस्ती हो गई और अब ये दोनों एक दूसरे का इंतज़ार करते और एक दूसरे को बिना देखे रह नहीं पाते थे। और काफ़ी सालों से इनकी दोस्ती अच्छी चल रही थी। इधर मगर की शादी हो गई, अब मगर की पत्नी भी आ गई। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मगर बंदर से यानी अपने दोस्त से मिलने नहीं आ पाता था। तो बंदर पूछता कि क्या हुआ, कल क्यों नहीं आए थे? तो बोलता, अरे कल मेरी पत्नी ने ये कहा, कल मेरी पत्नी के साथ मैं यहाँ गया था, कल मेरे घर में कुछ मेहमान आ गए थे। ऐसे इन लोगों के दिन बीत रहे थे। मौसम फिर ऐसा आया कि जामुन की शुरुआत हो गई, पेड़ पे जामुन अच्छे से लग गए और जामुन पकने लगे। अब बंदर मीठे मीठे जामुन खाता और अपने अपने दोस्त को बोलता कि अब रोज आना इधर, अच्छे अच्छे जामुन आ रहे हैं, मीठे मीठे जामुन आ रहे हैं, तुम भी खाना। उसको बुलाता तो मगर भी रोज आता। एक दिन वो थोड़े जामुन अपनी पत्नी के लिए भी ले गया। उसकी पत्नी ने जामुन खाए तो उसे भी बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला कि ये कहाँ से लाए, ये तो बहुत अच्छा है। बंदर ने बोला, ये तो मेरे दोस्त ने दिया है। बोला, अच्छा। मगर की पत्नी जो थी उसने बोला, जिसकी जामुन इतनी मीठी होती है उसका दिल कितना मीठा होगा। ऐसा सोच के वो मगर से कहने लगी कि मुझे अपने दोस्त का दिल ला के दो, मुझे उसका दिल खाना है, मैं सोच रही हूँ उसका दिल कितना मीठा होगा। मगर ने पूछा अपनी पत्नी से, तुम्हारा क्यों ऐसा मन हो रहा है कि तुम मेरे दोस्त का दिल खाना चाह रही हो? उसकी पत्नी ने उसकी खुशामद करते हुए बोला, तुम्हारा दोस्त तो नित्य प्रति ऐसी स्वादिष्ट जामुने खाता है, तो उसका दिल कितना अच्छा होगा, कितना मीठा होगा, इसलिए मुझे तो उसका दिल खाना है, बस तुम मुझे यही ला के दो। मगर ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा दोस्त है। पर मगर की पत्नी रह रह के उसके पीछे पड़ी रहती और कभी रूठती, कभी गुस्सा करती। और एक दिन मगर ने मन मार के उसकी बात रखनी चाहिए। यहाँ पे मुझे एक बात आ रही है कि हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा होता है जब हमारा अंदर से दिल गवाही नहीं देता कि हम ये काम करें, पर किसी और के प्रेशर में, किसी और के कहने से हम वो काम कर जाते हैं। तो मुझे ये इस स्टोरी से ये बात रियलाइज़ हो रही है कि कभी भी हम किसी और के प्रेशर में काम ना करें, हम हमेशा अपने दिल की सुने। फिर देखिए आगे क्या होता है।